टीकमगढ़ जिले के जतारा में स्थित श्री श्री 1008 श्री छोटी देवी मंदिर व नरसिंह प्रांगण में राष्ट्र जागरण कार्यक्रम के दौरान एक विराट 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें युवा आइकॉन युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी शांति कुंज हरिद्वार का विशिष्ट उद्बोधन भी सुनिश्चित किया। कार्यक्रम के पहले दिन नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात दूसरे दिन से 3 दिवसीय विराट 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के उपरांत विशाल भंडारे में प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर धर्म लाभ प्राप्त किया। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। जो यज्ञ हुआ कितने दिवस का यज्ञ है और क्या इसका? ये जतारा में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ प्रारंभ हो गया है। कल 5 तारीख को कलश यात्रा नगर भ्रमण में निकली थी, आज 6 तारीख को हमारा ये यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी कुंडों पर 108 कुंडों पर खासतौर से 80% युवाओं ने यज्ञ में भागीदारी दी है, 20% बुजुर्ग लोगों ने भी यज्ञ किया है और एक एक कुंड पर कम से कम 8-8 आदमी ने बैठ कर के ये यज्ञ में आहुतियाँ डाली हैं। और यह यज्ञ 7 तारीख को भी होगा, 8 तारीख को हमारी विदाई होगी, 8 को भी यज्ञ होगा। आज के दौर में देखा गया कि छोटे छोटे बच्चों का रुझान मोबाइल की ओर है, मोबाइल में व्यस्त रहते, तो उनका ध्यान कैसे इस ओर अपन आकर्षित करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी को, खासतौर से बच्चों को आज मोबाइल संस्कृति से जोड़ दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि हम उन्हें वो संस्कार नहीं दे पाएंगे जिन संस्कारों के लिए हमारे भारतवर्ष की ज्ञान संस्कृति जानी जाती है, हमारा धर्म जाना जाता है। हमें बच्चों को, उनके रुझान को माँ बाप जिस दिशा की ओर मोड़ देते हैं, बच्चे उसी दिशा की ओर मुड़ जाते हैं, लेकिन माता पिता ने केवल इतना सोचा कि बच्चे रो रहे हैं या बच्चों को मन नहीं लग रहा है, तो उन्होंने मोबाइल दे करके उन्हें प्रसन्न कर दिया। क्षणिक लाभ तो होगा, लेकिन बच्चों को माँ बाप अच्छे संस्कार देने की भूल कर बैठेंगे। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो टीनेज के बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, उन्हें हम मोबाइल से उनकी मानसिकता को हटा करके हम भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति में भी खास तौर से परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा ने जो साहित्य लिखा है, उस साहित्य की ओर मोड़ें, हम उन्हें गायत्री चालीसा दें, गायत्री चालीसा करने दें, तो इससे क्या होगा,
वैज्ञानिक ढंग से ये सिद्ध हो चुका है कि गायत्री मंत्र करने से व्यक्ति की बुद्धि में परिवर्तन होता है, जो वर्तमान युग में व्यक्ति की बुद्धि दुर्बुद्धि की ओर चली गई है। गायत्री मंत्र का जप करने से व्यक्ति में सद्बुद्धि आएगी तो सद ज्ञान आएगा तो सद्विचार आएंगे, और जब सद्विचार आएंगे तो व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा। इस तपोभूमि से, इस यज्ञशाला से आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? पहला तो महत्वपूर्ण संदेश हम ये देना चाहेंगे कि यज्ञ किसी एक वर्ग विशेष का या जाति विशेष का ये यज्ञ नहीं है, ये गायत्री यज्ञ है। ये आचार्य श्री राम शर्मा के बेटों के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। इसमें हर जाति वर्ग धर्म हर जाति वर्ग का व्यक्ति आकर के यज्ञ कर सकता है। ना तो हम कभी ये कहते कि प्रधान कुंड पे बैठने की कोई शुल्क होगी, आप आइए यज्ञ करिए। ना हम कभी जाति वर्ग का कोई विभेद रखते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भी आमंत्रित करते हैं उन भाइयों को जिनके आचरण शुद्ध हैं, खान पान शुद्ध हैं, वो किसी भी जाति वर्ग के हों, हमारे यज्ञ में आएं, पति पत्नी आएं, मुख्य वेदी पर बैठ कर के हमारा यज्ञ करें। यहाँ उनके लिए जाति वर्ग आड़े नहीं आएगा। हम बड़ी प्रसन्नता के साथ यज्ञ से उन्हें जोड़ना चाहते हैं और यज्ञ करना चाहते हैं। यह संदेश जो सच्चा समाजवाद का संदेश है वो गायत्री मंच गायत्री परिवार की ओर से लोगों को प्रैक्टिकली दिया जा रहा है। यहाँ गायत्री परिवार में कथनी करनी भिन्न नहीं है, जो हमारी कथनी है वही हमारी करनी है। और अगर लोग चाहें तो चुनौती के तौर पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति यहाँ आकर के हमारा यज्ञ करे, अगर उसे कोई टोके तो हम जो इस यज्ञ के आयोजक के तौर पर लोग मान रहे हैं हम उसके लिए जिम्मेवार होंगे, जवाबदेह होंगे। आप आएं और यज्ञ करें, यह संदेश हम समाज को देना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।